तो 5,000 के ऊपर में क्लिक कर लिया हूँ, आप विड्रॉल ऑप्शन में क्लिक कर, अब कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो मेरा विड्रॉल हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिग विनर एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप बिग विनर एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं या यूज करने की सोच रहे हो तो आज हम बिग विनर एप्लीकेशन से विड्रॉल करके दिखाएंगे। ऊपर देख सकते हो मैं एप्लीकेशन ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 18,000 मेरे वॉलेट पे है। तो आज मैं एक बड़ा अमाउंट विड्रॉल करके अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल लगाऊंगा और आपको लाइव सक्सेसफुली दिखाऊंगा कि विड्रॉल होता है या फिर नहीं होता है। हालांकि पहले भी एक वीडियो में आपको दिखाया था, ठीक है। तो आज फिर से मुझे काफी सारे कमेंट आ रहा था कि बिग विनर एप्लीकेशन से स्टेप बाय स्टेप विड्रॉल किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में एक वीडियो बनाई है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है विड्रॉल करने में तो आप यहाँ से सीख सकते हो, देख के कि कैसे विड्रॉल स्टेप बाय स्टेप लगाया जाता है। अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मोर का ऑप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और एक वीडियो उन्होंने बताया भी हूँ कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इस एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा, नीचे देख सकते हैं चार ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। पहला वाला होम, डेली बोनस, जहां पर आपको डेली के डेली हर रोज एक बोनस मिलता रहेगा। यहाँ पर मेक मनी एंड मी का ऑप्शन, मी का ऑप्शन में जस्ट क्लिक करना है। जस्ट मी का ऑप्शन में क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, ये देख सकते हैं, डिपोजिट मतलब कि एड कैश है, और यहाँ पर विनिंग मतलब कि विड्रॉल बैलेंस। तो यहाँ पर दो तरीके के बैलेंस दिखाई पड़ रहा है, एक तो है डिपोजिट बैलेंस, एक तो है विड्रॉल बैलेंस, दो बैलेंस, ठीक है। तो विड्रॉल मतलब डिपोजिट बैलेंस में आप देख सकते हो 11,248 रुपये मेरा है, एंड विनिंग बैलेंस मतलब विड्रॉल बैलेंस में मेरा 6,767। अब ये दोनों बैलेंस का फर्क क्या है सबसे पहले समझिए, उसके बाद विड्रॉल करके दिखाऊंगा। ये दोनों बैलेंस ही मेन है, ठीक है, लेकिन ये मेरा कमाई है, ये भी मेरा कमाई है, लेकिन डिपॉजिट बैलेंस में क्या होता है, जब मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट यहाँ से पैसे कमाया था तो सबसे पहले आपका डिपॉजिट बैलेंस में आएगा, ठीक है, उसके बाद रिडायरेक्ट होके विड्रॉल में जाएगा, धीरे 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 जाता है, ठीक है। मतलब काफी टाइम लगता है, मतलब 2-3 महीना भी लग सकता है, 4-5 महीना भी लग सकता है, ठीक है, विड्रॉल बैलेंस में आने के लिए। अगर आप तुरंत लाना चाहते हो विड्रॉल ऑप्शन में तो आपको इसको गेम खेलना है, ठीक है। इस जो अमाउंट देख पा रहे हो डिपॉजिट बैलेंस में 11,000, वो 11,000 से आपको खेलना है, कोई भी गेम खेलोगे, अगर जीतते हो जो मतलब 100 रुपया लगाए हो 200 रुपया जीते हो तो 100 रुपया यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मतलब जब आप विन होगे तभी जाके जितना भी विन होगे वो पैसा यहाँ पर ऐड होता रहेगा, हार जाओगे तो आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पर विड्रॉल बैलेंस में नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर विड्रॉल बैलेंस में जितना भी बैलेंस है वही हम विड्रॉल लगा सकते हैं, इस बैलेंस में नहीं विड्रॉल नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना है, सिर्फ विड्रॉल में इन्फॉर्मेशन विड्रॉल वाला बटन में क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर विड्रॉल लगाने के लिए आपको बैंक अकाउंट जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेंसिल का एक बटन दिया गया, जस्ट इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी मैं बैंक अकाउंट जोड़ के रखा हूँ, ठीक है। अगर आप भी विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको भी बैंक अकाउंट जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं रियल नेम, आपका जो रियल नेम है बैंक में वो देना पड़ेगा, अकाउंट होल्ड नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको बुक में मिल जाएगा, देख देख के अच्छे तरीके से मतलब एकदम एक भी गलती ना हो बैठा देना है वो। उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर, फिर से दोबारा अकाउंट नंबर को डाल देना है। उसके बाद IFSC कोड आपको डालना है जो कि आपका बैंक का पासबुक में लिखा हुआ होगा। ईमेल एड्रेस कोई भी एक डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर बैंक नेम, आपका बैंक का नाम क्या है, जिस बैंक में विड्रॉल करना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक मैंने लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर एक OTP आएगा, जो आप नंबर से एप्लीकेशन को जब रजिस्टर किए थे तो उसमें एक नंबर दिए थे, वो नंबर पे आपको OTP जाएगा, OTP पे क्लिक करना है, OTP आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपका बैंक अकाउंट सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद 2 दिन प्रोसेसिंग, 3 दिन तक प्रोसेसिंग का टाइम मांगता है यहाँ पर, 1 से 2 दिन 1.5 दिन में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप विड्रॉल लगा सकते हो। तो मेरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका था, पहले वीडियो आपको दिखाए हैं। तो हम अभी 6,000 है तो यहाँ पर देखिए 1,000 से लेके 20,000 तक विड्रॉल लगा सकते हो। तो यहाँ पर 5,000 के बाद 10,000 है तो हम 5,000 विड्रॉल लगा सकते हैं। तो 5,000 के ऊपर में क्लिक कर लिया हूँ, अब मैं विड्रॉल ऑप्शन में क्लिक करेंगे। विड्रॉ ऑप्शन में जब भी क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक टैब आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विस फी 150 रुपये आपको काटा जाएगा, ऑटोमेटिकली कट जाएगा। रेट यहाँ पर 3% का मतलब कमीशन यहाँ पर लेता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 150 रुपया हुआ। अब कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो मेरा विड्रॉल हो जाएगा, मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देख सकते हैं कन्फर्म पर अभी क्लिक करूंगा, ये कन्फर्म में क्लिक कर दिया हूँ, और ये देख सकते सबमिट सक्सेसफुल, योर विड्रॉल विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट इन 72 आवर्स।
72 घंटा के अंदर मेरा बैंक अकाउंट में चल जाएगा। हमने दो बार यहाँ पर विड्रॉल लगाया था, एक बार मतलब 2 दिन से ऊपर लगा था, लेकिन विड्रॉल हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद एक बार जब विड्रॉल लगाया था तब मेरा विड्रॉल 2 से 3 घंटा लगा था, विड्रॉल हो चुका था। ठीक है, अभी देखता हूँ ये विड्रॉल कितना दिन में विड्रॉल होता है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो विड्रॉल बैलेंस में क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं स्टेटस। स्टेटस चेक करने के लिए कि हमारा विड्रॉल सक्सेसफुल हुआ या फेल हो चुका है या अभी भी पेंडिंग में है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारा कुछ दिखा देगा। ये देख सकते हैं स्टेटस वगैरह, मेरा प्रोसेसिंग चल रहा है। ठीक है, तो अगले हम 1 घंटा के बाद ओपन करके देखेंगे ये सक्सेस होता है या फिर नहीं होता है, या फिर 1 दिन बाद जब भी सक्सेस होता है तो आप वीडियो में बने रहिए, हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये सक्सेस होता है या फिर फेल हो जाता है। तो दोस्तों लगभग 7 मिनट हुआ है और 7 मिनट बाद मैं एक बार ओपन करके देखता हूँ एप्लीकेशन को कि मेरा विड्रॉल सक्सेस हुआ है या फिर फेल हुआ है या फिर प्रोसेसिंग ही चल रहा है। हालांकि 72 घंटा का टाइम दिया जाता है, कोई भी एप्लीकेशन में थोड़ा लॉन्ग टाइम ही दिया जाता है, लेकिन कभी भी हो सकता है विड्रॉल। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी वॉलेट में 12,000 है, मतलब लगभग 18,000 था। अभी भी यहाँ पर अगर फेल हो जाता तो वॉलेट पे दोबारा आ जाता है, अगर फेल हो जाता है वॉलेट पे नहीं आता है तो आप कस्टमर सपोर्ट ले सकते हो। अब हम मीक ऑप्शन में क्लिक करेंगे, मीक ऑप्शन में क्लिक करते ही यहाँ पर विड्रॉल वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। विड्रॉल वाला ऑप्शन में क्लिक करके हम ऊपर में क्लिक करके देखेंगे मेरा स्टेटस अभी क्या है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और ये देख सकते हैं दोस्तों प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ग्रीन कलर हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद। ठीक है, तो 5,000 रुपया मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। हालांकि पहले भी मैं विड्रॉ किया था, 100% सक्सेसफुल विड्रॉ हो चुका था। तो अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं इसी तरीके से प्रोसेस को अपनाइए, विड्रॉल कीजिए, आशा करते हैं आपका विड्रॉल भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आगे भी इसी तरीके का ट्रस्टेड एप्लीकेशन रिव्यू एंड अर्निंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक, टेक केयर।